नमस्कार, आप देख रहे हैं WS न्यूज जन जन की आवाज और मैं आपके साथ हूँ शीतल खवसे। आज के इस खबर के प्रायोजक है यश इलेक्ट्रॉनिक्स वाड़ी। तो आइए रुक करते हैं आज की विशेष खबर पर। वाड़ी के दो पत्रकारों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। बसपा जिला अध्यक्ष संदीप मेश्राम के जन्मदिन पर किया गया सम्मानित। WS न्यूज के संपादक विजय कुमार खवसे, देशोन्नति के सौरभ पाटिल को किया गया सम्मानित। नागपुर वाड़ी क्षेत्र में बीते 5 साल से पत्रकारिता के माध्यम से एक अच्छी सच्ची पत्रकारिता की आवाज को निर्माण करने वाले वाड़ी के दो दबंग पत्रकारों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया, जिसमें WS न्यूज के संपादक विजय कुमार खवसे, देशोन्नति के सौरभ पाटिल का समावेश है। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष संदीप मेश्राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर दोनों को वाड़ी के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संदीप मेश्राम ने कहा कि वाड़ी क्षेत्र में सर्वसामान्य नागरिकों को न्याय दिलाने, शहर की हर समस्या को उठाने दोनों पत्रकार अग्रसर रहते हैं। अनेक लोगों को उन्होंने अपने खबरों के माध्यम से न्याय दिलाया। कुछ भी अपेक्षा न रखते हुए फोन करने पर तुरंत मौके पर पहुँचते हैं। ऐसे पत्रकारों को सम्मानित करना हमारा कर्तव्य है, वही मैंने मेरे जन्मदिन पर किया। पुरस्कार को स्वीकार करते हुए विजय खवसे ने कहा कि पुरस्कार से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से राष्ट्र की निर्मिति होती है। जो हमारा सम्मान किया गया और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आज की पत्रकारिता करना बड़ी कसरत है। सिस्टम के खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों पर कार्रवाई की जाती है। गोदी मीडिया ने पत्रकारिता का नाम कुचल डाला है, यह भविष्य के लिए खतरा है। सौरभ पाटिल ने कहा कि जिन्होंने हमारा सत्कार किया वह संदीप मेश्राम बोलते नहीं, लेकिन उनका सत्कार्य बोलता है। उनके सत्कार्य को हमें स्वीकार करते हैं और सच्ची पत्रकारिता करने का वादा करते हैं। इस अवसर पर बसपा के मीडिया प्रभारी उत्तम शेवड़े, बिन्ना विधानसभा अध्यक्ष शशिकांत मिश्रा, नगर सेवक नरेंद्र मेंढे के साथ बसपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। WH ब्यूरो रिपोर्ट, वाड़ी, नागपुर। मैं मेरे बारे में ये बताना चाहूंगा, करीब मैं 25 साल से पत्रकारिता क्षेत्र में हूँ। पहले मैं और कोई काम करता था, पर मेरी एक इच्छा थी, समाज को अगर न्याय दिलाने का है तो एक ही माध्यम है, पत्रकारिता। मैं बचपन से ही मुझे समाज कार्य का बहुत छंद था। समाज पे होने वाले अन्याय के ऊपर में लड़ने का मेरे को शौक था। हर किसी की अलग अलग सोच होती है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट रियल ग्रीन मार्केट के द्वारा बताया गया, ये सोच करोड़पति लखपति बनने की सोच है। मेरी सोच सिर्फ पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाने की सोच थी, और वो मैं आज से ही नहीं, बीते 25 साल से ये काम कर रहा हूं। मैंने इस माध्यम से पैसे कमाए नहीं, लेकिन आज जो मेरा सत्कार हुआ है ये मेरे लिए करोड़ क्या करोड़ करोड़ से भी ज्यादा मेरा ये सम्मान है। हाल ही का मैं एक मामला भी बताना चाहूंगा। एक लेडी की जो प्रसूति हुई, और सवेरे सवेरे मुझे मेरे व्हाट्सएप पर संदीप भाव ने वीडियो भेजा। अब मेरे पास करीबन नंबर 10,000 नंबर है, मैं किसी के व्हाट्सएप पे देख नहीं सकता हूं। मुझे संदीप भाव ने फोन किया, सवेरे सवेरे मुझे फोन किया कि भाऊ आप अपने इसमें एक वीडियो डाला गया है, सिर्फ आप वो वीडियो देखिए, क्या वीडियो है। तो मैंने संदीप भाव को बोला ठीक है मैं देख लूंगा। फिर से संदीप भाव का फोन आया, क्योंकि संदीप भाव के मोबाइल पे दिन का जो ये आती है मोबाइल के ऊपर में कि देखा ही नहीं किसी ने। फिर से मेरे को संदीप भाव का फोन आया, मैंने बोला संदीप भाव का फिर से फोन आया, अभी तो वीडियो देखना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ खास होगा। जब संदीप भाव का वीडियो मैंने देखा कि मैंने सबसे पहले संदीप भाव ने जो मेरे को वीडियो भेजा, मैंने वो संदीप भाव के कार्य की प्रशंसा की। वो इतना वीडियो गंभीर था कि मेरे आंखें रोंगटे खड़े हो गए, और तुरंत मैंने मेरा काम छोड़ के वो मेरे वो उस वीडियो को लेके मैं एडिटिंग को लगा। मेरे लड़कियों को, मेरे बच्चों को बताया कि काम छोड़ दो, पहले अपने को खाना बाद में खाएंगे, पर ये वीडियो अपने को एक घंटे के अंदर में
ये वीडियो पूरा वायरल होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर वीडियो है। किस समाज से है, किसका है, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो महिला का वीडियो है, जो महिला के साथ में वहां पे दुर्व्यवहार हो गया है, उसके खिलाफ में अपने को लड़ना है, और वो भी संदीप भाव के साथ में लड़ना है। संदीप भाव को मैंने एक घंटे के अंदर में वो खबर दी, खबर पूरी तरह फैल गई, यहां तक कि मुंबई तक के फैल गई। मुझे फोन आने लगे, क्योंकि मेरी जो WH की न्यूज है, मेरा खुद का WH न्यूज मैं चलाता हूँ यूट्यूब पर, और दैनिक भास्कर के लिए वाड़ी MIDC का काम करता हूँ, खुद का यूट्यूब चैनल बनाया है, और मेरी जो भी समाज की बात है मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं रखता हूँ। जब मैंने वो वीडियो वायरल किया तो मुझे मोबाइल पे फोन आने लगे, और वो भी ऐसे वैसे लोगों के लिए, बहुत बड़े बड़े चैनल के फोन आने लगे। मैंने सबको वीडियो शेयर किया, मैंने बोला इस खबर को तुम चलाओ, क्योंकि ये खबर ही वैसी है। हमने कोटा के करीबन आज तीसरा दिन है, लगातार तीसरे दिन भी आज भी दैनिक भास्कर में आधा पेज की खबर कवर छाप के आई है। मैंने कहना यही चाहूंगा कि संदीप भाव बिजनेस के साथ साथ समाज कार्य में भी अग्रसर रहते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हर कोई बिजनेस में रहता है, पैसे कमाने के पीछे रहता है, लेकिन समाज का कार्य करने में वो आगे नहीं रहते। मैं संदीप भाव के कार्य को शुभेच्छा दूंगा कि आप बिजनेस में भी रहे संदीप भाव, और साथ ही साथ समाज कार्य में ही जुड़े रहे, दोनों भी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। यही मैं आज के इस पर्व पर, आपके जन्मदिन के पर्व पर आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी बात समाप्त करता हूँ, जय हिंद। कि कोई भी प्रोग्राम हमने इनको बोल दिया है कि सौरभ भाव आप प्लास्टो कंपनी में पहुंच जाओ, तो 5 मिनट भी नहीं लगाएंगे प्लास्टो कंपनी पहुंचने के लिए, क्योंकि आज इनकी उम्र बहुत छोटी है, हमारे से भी बहुत छोटे हैं, लेकिन इन्होंने जो वाड़ी ये पूरे नागपुर शहर में जो पत्रकारी में जो इनका नाम चलता है, बहुत सही नाम है। मैं सौरभ भाव को 2 मिनट देना चाहूंगा, 2 मिनट सौरभ भाव बात करें। सर्वप्रथम मी संदीप भाऊंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणार। तत्पूर्वी मी आपण सर्वांना सांगू इच्छितो की संदीप भाऊ बद्दल मी काय सांगायचं, माझा गुरु, माझे जे गुरु आहेत विजय कौचर सर, त्यांनी संपूर्ण माहिती संदीप भाऊ बद्दल दिलेली आहे। तसंच संदीप भाऊ बद्दल मी काय बोलणार, कारण की ते नाही बोलत, संदीप भाऊ कधीच बोलत नाही, पण त्यांचं काम बोलते। आज आम्हाला बोलण्याचं एक संधी दिली, त्याबद्दल आम्ही धन्यवाद करतो, आणि जे आमचा सत्कार केलाय आपण, खरंच तुमचं कार्य सराहनीय आहे, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक विशेष खबर के साथ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। आप हमारी न्यूज़ www.whnews.in पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।